तो खैर लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डग्गी भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं कल। ओ बस यार हमला जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार तुम लोग देख सकते हो कि आपका भाई जो है ना, किसी पता नहीं मैं तुम लोग को क्या ही बताऊं, इस तरह की जगहों को क्या कहते हैं, आइलैंड में है हम लोग, फू कॉक आइलैंड इन वियतनाम। वियतनाम से अलग ही आता है, मतलब यहाँ पे वीजा नहीं चाहिए होता इस आइलैंड के अंदर आने के लिए आपको। बाकी तुम लोग माहौल देख सकते हो, ठीक है, कितना पीसफुल है, ना कोई शोर है, ना कोई तंग करने वाला, कुछ भी नहीं है, इजी सीन है भाई, बहुत पीसफुल है। मौसम भी नॉट बैड है, यहाँ पे खड़े होकर मौसम अच्छा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी धूप है। तो कल वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को बोला था कि मैं तुम लोगों को इस आइलैंड का टूर करवाऊंगा और पूरे विला का भी टूर करवाऊंगा। तो हमारा जो फू कॉक आइलैंड वाला जो टूर था वो बाइनेंस की तरफ से था, बाइनेंस का इवेंट था जो उन्होंने इस आइलैंड के अंदर रखा हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक विला है, यहाँ पे एक विला है, ठीक है, पूरा पूरा घर है यहाँ पे, और ये घर जो है ना उन्होंने पूरा हमें दिया हुआ रहने के लिए। तो इसका मैं तुम लोग को करवाता हूँ टूर, साथ तुम लोग को इसके आगे आइलैंड वगैरह बीच वगैरह भी है उसका टूर भी मैं अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है ना ये घर का मैं तुम लोग को सीन दिखाता हूँ भाई। बाकी ये गलियां इसी तरह से हैं सारी, यहाँ पे सीधी जाती है, यहाँ पे घर वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, उस तरफ रेस्टोरेंट है। खैर अभी हम लोग चलते हैं नीचे। और भाई यहाँ पे जो है चूहे वगैरह भी होते हैं, रात को चूहों की आवाजें आती हैं, चूहे हैं, बैट्स हैं और पता नहीं कैमेलियन, इस तरह के बहुत सारे अजीब अजीब किस्म के जानवर जो है ना यहाँ पे रहते हैं, तो उसका जो है ना हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अभी तो दिन टाइम है, अभी हमें कोई तंग नहीं करेगा। तो खैर ये हम लोग चलते हैं विला की तरफ। ओए होए 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 होए, वैसे इन्होंने यहाँ पे जो है एक स्टैंड दिया हुआ है छतरियों के लिए, कि यहाँ पे जो है अपनी छतरियाँ वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग होते हैं एंटर, और ये है इनका लिविंग रूम। भाई लिविंग रूम देखो कितना लाइवली किस्म का है। लोगों जो है ना पर्दे शर्दे खोल के दिखाता हूँ सारे। आए क्या पर्दे वगैरह खोल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे भी शीशे हैं, यहाँ पे भी शीशे हैं, इसको भी खोल लेते हैं। ये ना लड़कियों को इस तरह के पसंद होते हैं कमरे, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे जो है उन्होंने किचन दिया हुआ है, पूरा का पूरा किचन दिया हुआ है, चूल्हा भी है, आप अपना खाना भी बना सकते हो। इधर पीछे ही जो है ना इस आइलैंड के उस तरफ जो है एक मार्केट भी है, वहाँ से आप लोग ग्रोसरी कर सकते हो। यहाँ पे जो है उन्होंने फ्रिज दिया हुआ है, ठीक है, पानी की बोतलें वगैरह। हाँ तो पूरा जो है ना उन्होंने किचन दिया हुआ है कि आप अपना खाना छाना बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक लिविंग रूम है बड़ा लेवल किस्म का, टीवी वगैरह दिया हुआ है, विंडो है, वहाँ पे ग्रीनरी का व्यू है, और यहाँ पे जो है प्राइवेट पूल है जो मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। डाइनिंग टेबल उन्होंने यहाँ पे खाना छाना खाने के लिए ये दिया हुआ है। पूल की तरफ लेके चलता हूँ तुम लोगों को। हाय 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 हाय। तो भाई ये पूरा का पूरा प्राइवेट पूल जो है ना उन्होंने हर विले के साथ दिया हुआ है। अभी तक मैं पूल में नहाया नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा। गरम पानी हब्स वाला। उसने कहा था कि स्विम से पहले चेंज कर लेना, वो चेंज हो सकता है, वो देखो ना उबल रहा है वहाँ पे। तो पूरा का पूरा जो है उन्होंने पूल दिया हुआ है, प्राइवेट पूल दिया हुआ है, साथ बैठने की कुछ जगह दी हुई है, और यहाँ पे जो है छोटी ही नीचे वाली साइड पे उन्होंने जगह दी हुई है। तुम लोग को चलते हैं ऊपर लेके चलते हैं भाई। ऊपर जाने से पहले जो है ना यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम भी दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है। अच्छा वैसे यहाँ पे भी एक रूम है, ठीक है, लेकिन जो हमें रूम दिया हुआ है मैं सिर्फ तुम लोगों को उसी का टूर करवाऊंगा। ऊपर जाते रहोगे तो फिर एक ये भी रूम है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने सिटिंग एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे विंडो वगैरह है, अच्छा व्यू है, और ये हमारा हमने यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, और ये है रूम हमारा। भाई गोल्डन आवर लाइट आती है यहाँ पे सीधी, और साथ में ये फोटोज नहीं इसके अंदर। और यार फोटो छोटा छोड़ो, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना बड़ा लेवल का रूम है। इस तरफ आ जाओ तो वॉशरूम दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो काफी अच्छा लाइवली किस्म का वॉशरूम है। यहाँ पे भी बड़ा अच्छा व्यू आता है, कर्टन नीचे किया हुआ है। तो बाकी ये जो है उन्होंने शावर वगैरह दिया हुआ है। इस तरफ आ जाओ तो उन्होंने जो है बालकनी दी हुई है, वही पूल वाला नजर आता है यहाँ से सारा। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा उस तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बीच वगैरह, वहाँ पे क्या शोर मिला है। आओ चले, रेडी हो ना? नहीं भाई, मेरी फोटो तो साथ। यार फोटो छोड़ो, धूप कल भी आ जाएगी, वही धूप, यही धूप कल भी आ जाएगी भाई। तभी हम लोग चलते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मार्केट वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, वो भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। इधर चलते हैं इस तरफ नीचे। तो ये तुम लोग देख सकते हो बग्गी वगैरह जो है ना फिर रही है। बग्गी वगैरह जो है ना आपको जहाँ आपने जाना है आपको लेके जा सकती है। अपने कमरे से भी कॉल करवा सकते हो बग्गी को कि आपके जो है ना आपको कहीं ले जाए, लेकिन हम पैदल चलने वाले लोग हैं। तो अभी जो है ना 5:51 हुए हैं और तकरीबन घंटा है अभी रोजे खुलने में, रोजा स्टार्ट होने में, तो वो भी हम लोग करेंगे इस रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ पे मैं तुम लोग को भी बाद में लेके जाऊंगा। अभी जो है वहाँ पे बाइनेंस की एक पार्टी हो रही है, ठीक है, पार्टी शुगर मेला हो रहा है, वहाँ पे चलते हैं। बाकी ओवरऑल जो है ना बड़ा प्यारा बना हुआ है यार, आज तक जितने भी आइलैंड में हमने विजिट किया है सबसे अच्छा ये वाला है ना। मैंने सुना है कि इससे भी अच्छे आइलैंड हैं, लेकिन अभी फिलहाल जहां तक मैंने विजिट किया ना ये फू कॉक सबसे अच्छा लगा मुझे। I am fed up with islands, बस कर दो तब घुमा दी आइलैंड। हाँ अब मदार है ना दुबई में, बिल्डिंग्स देखनी है, समंदर देख देख के थक गए कसम से। हाय 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 हाय। तो भाई वो उस तरफ समंदर है, बीच है, तुम लोग देख सकते हो, और यहाँ पे जो है ना शुगर मेला हो रहा है।
मॉल देख सकते हो, अभी जो है ना वो उन्होंने डिनर शिनर के लिए टेबलें सजाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बाइनेंस के बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, बाइनेंस एफिलिएट कैंपस। ये जो है हमारे सिकंदर भाई हैं बाइनेंस की तरफ से, ये हमें बताएंगे। सिकंदर भाई यहाँ पे क्या शुगर मिला है, एंजॉय कर रहे हैं अल्लाह बहुत ज्यादा। बाइनेंस एफिलिएट कैंपस जो है ना एक हमारा इवेंट है, जैसा यूट्यूब का होता है और डिफरेंट कंपनीज का होता है, जहाँ पे वो अपने क्रिएटर्स को बुलाते हैं और अपडेट्स वगैरह सारी देता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वर्ल्ड वाइड एफिलिएट को अपने बुलाया है और उनको जो है ना क्रिप्टो स्पेस के मुताबिक एजुकेट प्रोवाइड की है। तो बाइनेंस रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसके लिए ये इवेंट है। वैसे बाइनेंस के बाद भी खुला पैसा है, एक इन्फॉर्मेशन दो घंटे की क्लासेस के लिए पूरा आइलैंड बुक करवा लिया है। आप लोग एफिलिएट्स हमारे और आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अभी जो है ना कमरे में वापस आए हो, ठीक है, इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे जो है ना हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े हुए थे कि इफ्तारी का हम लोग आसरा कर लें। अच्छा जी, लेज है, ओरियो है और M&M's है, बहुत है भाई फिलहाल। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि टैप टैप सेंड से अब आप बाहर के मुल्क से पाकिस्तान अपना सदका और ज़कात भिजवा सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। तो बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी या वैसे जो इन जनरल बाहर रहते हैं वो अब पाकिस्तान अपनी ज़कात भिजवा सकते हैं टैप टैप सेंड से। यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप वाले अब पाकिस्तान के अंदर पैसा भिजवा सकते हैं। 1300 से ज्यादा UBL ब्रांचेस के अंदर कैश पिकअप भी अवेलेबल है, कोई फीस नहीं है, इंस्टेंट विद्रॉल है और एक्सचेंज रेट भी बड़ा जबरदस्त है भाई। तो जितने भी लोग पाकिस्तान पैसे भेजना चाह रहे हैं वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से टैप टैप सेंड को डाउनलोड करके मेरा प्रोमो कोड डक इस्तेमाल करें, जिससे तुम लोगों को $10, 10 पाउंड या 10 यूरो का बोनस मिलेगा अपनी पहली ट्रांजैक्शन के अंदर। तो टैप टैप सेंड के नीचे लिंक दी होगी, तो बाहर से अपनी ज़कात भेजो, पाकिस्तान लोगों की करो हेल्प। तो हमारी इफ्तारी जो है ना ये बिस्किट, चॉकलेट, कोका कोला और इससे हो रही है, ये क्या है, लेस टैक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फिलहाल इसे इफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ पे डिनर वगैरह लगेगा, तो फिर उससे पेट पूजा करेंगे पूरी पूरी। अब बुफे वगैरह जो है लग चुके हैं, ठीक है, और तुम लोग देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सलाद के जो है ना उन्होंने वैरायटी दी हुई है, एक ही प्लेट में डालो मेरा भी। तो हम लोग जो है ना ये चीजें भी ट्राई करते हैं, शेल्स वगैरह, ठीक है। ये है ओइस्टर, ग्रिल ओइस्टर विद स्प्रिंग अनियंस, ओए होए होए होए, मजा आएगा भाई। साथ ये वो ऑक्टोपस है जिसकी मैं उस दिन बात कर रहा, ठीक है, ऑक्टोपस ये होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑक्टोपस हराम होता है, हराम कोई नहीं होता, सी फूड सारी हलाल है। ओए दो डालते हैं भाई, बड़े मजे का होता है ये। तो यार कीड़े मकौड़े हम लोगों ने पकड़ लिए इफ्तारी के लिए, ठीक है, अभी हम लोग करते हैं ट्राई। सबसे पहला जो है ना मैं ट्राई करूंगा ये ऑक्टोपस, होए। थैंक यू। ओनली स्प्राइट, ओके थैंक यू। इसको लगाते हैं थोड़ी सॉस में, डिप करते हैं इसको मस्टर्ड सॉस के अंदर, मजे का है भाई। नहीं बहुत मजे का है भाई, वाकई Later. तो अभी जो है ना एडिटिंग मकाई है, सही है, और सहरी का भी जो है ना टाइम हो गया, तो हम लोगों ने जो है ना फ्रूट्स और सब्जियों का सालन साथ ब्रेड वगैरह जो है ना इस तरह की सहरी मंगाई है, और कब से हम लोग यही खा रहे हैं, बस इसी तरह की चीजें खा रहे हैं। हाँ, सी फूड से नफरत हो गई मुझे खा खा के, मैंने कहा भाई सब्जियां ला दो, पिज्जा खाया हमने। हाँ, तो वही अभी जो है ना ये सैरी वैरी आई है साथ, अपना वेजिटेबल करी है साथ, या शायद सूप है, शायद ब्राउन ब्रेड है, ये उन्होंने चीज दी हुई है, फ्रूट्स वगैरह हैं काफी ज्यादा, ठीक है, साथ उन्होंने हमें सब्जी का शवारमा बना के दिया। थक गए हो यार, पाकिस्तान वापस चलो यार, कोई कढ़ाई डालो मेरे मुंह में यार, कोई बिरयानी, कोई ग्रीसी कढ़ाई खाएं, कोई मटन कढ़ाई। हाँ ये थक गए हो यार, मैं खा खा के, आज देखो उन्होंने क्या चटनी वगैरह दी है यार, हैं चलो मुकाइए सैरी। The next day. तो अगला दिन शुरू हो गया, ठीक है, मैं तुम लोग को रोशनी रोशनी में बीच दिखाता हूँ, तुम लोग देख सकते हो कितना प्राइवेट सा बीच है, आइसोलेटेड है, कोई भी नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा, तो वहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है, मतलब ये बहुत ही, मतलब किसी ने अगर बिल्कुल आइसोलेटेड सा टूर करना है ना, तो ये आई थिंक बहुत अच्छी जगह है। बाकी तुम लोग देख सकते हो आइलैंड का व्यू बड़ा जबरदस्त किस्म का है, और अभी जो है ना हम लोग वो सामने जो पानी है ना वहाँ पे राफ्टिंग करने जा रहे हैं, छोटी सी बोट है वो चलाएंगे, हम खुद चलाएंगे भाई। तुम लोग को केबल कार नजर आ रही होगी जो ऊपर चल रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग को इतनी दूर से नजर आ रही है कि नहीं, लेकिन काफी वो जो पोल लगा हुआ बीच में वो केबल कार वगैरह चल रही है, तो वो हम लोग करेंगे कल सुबह, हमारी फ्लाइट है तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा। लेकिन बाकी तुम लोग पानी देख सकते हो साफ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर है ये भी, ओए होए 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 होए, हम खुद चलाएंगे। हाँ हाँ ब्रदर, वी राइड ऑन आवर सेल्फ राइट। तो ये जो है ना हमारी बोट है, ठीक है, जिसको हम लोग चलाएंगे। ध्यान से सर। तो भाई तुम लोग देख सकते हो सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा व्यू है। तो यार ये है पूरा
फूकॉक आइलैंड, ठीक है। तुम लोगों को टॉप व्यू भी दिखाएंगे कल। बोटिंग करने का दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है बस यहाँ पे बैठे रहे हैं ना। तो इस तारीख का वक्त हो गया इसलिए हम लोग कपड़े में वापस आए हैं, ठीक है। फिलहाल जो है ना पानी वगैरह हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद जो है ना नमाज पढ़ के निकलते हैं। इधर पास रेस्टोरेंट है वहाँ पे कुछ खाने। और एक चीज और मैं तुम लोग को बताऊँ, मैंने विला टूर के अंदर तुम लोग को नहीं दिखाई थी बाकी के रूम, ठीक है। ये बाकी के रूम मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये उन्होंने एक सिंगल सिंगल बेड वगैरह दिया हुआ है और इसका भी बाथरूम उसी तरह का है जिस तरह का हमारा है, ठीक है। यहाँ पे शावर वगैरह दिया हुआ है, काफी जबरदस्त किस्म का जो है ना सिस्टम है। पूल वाली बैल्कनी है, ठीक है। यहाँ से जाओ सीधा सामने जो है ना प्राइवेट पूल है आपके पास अपना। एक और दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम जहाँ पे अब हम मूव हो गए हैं। ओए होए 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 होए, तो भाई एंटर होते ही जो है सबसे पहले उन्होंने बाथरूम दिया हुआ है जहाँ पे, यहाँ पे दो सिंक लगे हुए हैं, एक पूरी जकूजी है, यहाँ पे शावर कैबिन है, ठीक है। यहाँ पे अपना हक शक सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा जो है ना कमरे जितना बाथरूम उन्होंने पहले स्टार्ट में दे दिया, और फिर यहाँ पे आप आते हो रूम पे और ये तुम लोग रूम की वाइब चेक करो, बस तुम लोग सिर्फ सिस्टम चेक करो एक बार है। यहाँ काम शाम का रूम भी आया, इधर बैठ कर एडिटिंग शेडिंग करेंगे। तो ये वाला रूम हमारे पास पहले नहीं था, आज ही हमारे आज से हमारे पास ये वाला रूम है। ओए होए होए, क्लास का रूम भाई। ओए पूरे आइलैंड का व्यू भाई, पूरे आइलैंड का व्यू आपको इस कमरे से नजर आता है। बहुत आला भाई, बहुत आला, मजा आ गया यार। ये बेस्ट रूम है इस विले का, बेस्ट रूम है ये वाला। तो विला टूर भी हो गया, अभी जो है ना हम लोग ढूंढते हैं कोई खाना छाना इफ्तारी हो गई है। तो अभी जो है ना हम लोग एक मार्केट में हैं, वहाँ पे जो है ना हम लोग कुछ सैरी का सामान पकड़ ले हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना सैरी के टाइम खाना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ फ्रूट्स होते हैं और पता नहीं अजीब अजीब से मजा नहीं आता, सैरी सही से की नहीं जाती। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे कुछ रामेन वगैरह है जो मैंने अभी पढ़ा है कि ये जो है ना हलाल भी है, टैग वगैरह भी इसके इस पे लगा हुआ है, तो हम लोग जो है ना ये पकड़ लेते हैं। और भाई तुम लोग इनकी प्राइसेस देखो, 55,000 वियतनामीज डोंग, 4,00,000 वियतनामीज डोंग, 2,45,000 वियतनामीज डोंग की ये कॉर्नफ्लेक्स मिल रहे हैं ये अपना चोकोस। मैं तो कहता हूँ वियतनाम वाले यहाँ पे बैठे बैठे मिलियनेयर बन जाओगे भाई, 15,000 रुपए के अंदर मिलियनेयर। इसका नाम देखो ना, नाम वाकई देखो भाई, वैसे लड़की है लेकिन उसका जो है ना नाम मैन, मर्द नाम है उसका मैन। यहाँ पे यहाँ पे नाम काफी अजीब अजीब है सारों के, है ना, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी टॉयलेट। तो अभी हम लोगों ने जो है ना सी फूड पिज्जा मंगाया, ठीक है। साथ इसके अंदर स्क्विड वगैरह डाला हुआ है, उसने प्रॉन्स वगैरह डाले हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो है ना इसी से गुजारा करना पड़ेगा इफ्तारी को। वैसे घंटा हो गया अब जाके हम लोग खा रहे हैं। तो यार थक बहुत ज्यादा गए हैं, यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे। कल हम लोग जाने से पहले एक बार जिपलाइन लाजमी करेंगे, आइलैंड देखेंगे ऊपर से, मजा आएगा। तो खैर लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं कल, ओ बस यार मिलते हैं कल, ओ का फिर।